ठीक है सर, थैंक यू अंचला जी इतने लंबे इंट्रोडक्शन के लिए मेरे, और मंच पर उपस्थित माननीय रामनिवास गोयल जी जो दिल्ली विधानसभा में स्पीकर हैं, लेकिन हम सबके लिए हमारे बड़े भाई मंत्री की तरह से हमारे बीच में हमेशा रहते हैं। साथ साथ यहाँ उपस्थित विवेकानंद कॉलेज के चेयरपर्सन श्री सुभाष मिंद्रा जी, प्रिंसिपल मैडम मीना जी, हमारे पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर, और जिनकी वजह से दिल्ली के बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज उपलब्ध हो पा रही है विवेक जी, साथ साथ और प्रोफेसर और तमाम सभी साथी पेरेंट्स, यहाँ आसपास के सभी पधारे सोशल वर्कर एक्टिविस्ट, सभी स्टूडेंट्स टीचर्स, सबको नमस्कार। मैं आप सबको सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ कि आज विवेकानंद कॉलेज में इतना शानदार हॉकी का मैदान यहाँ पे आप लोगों के लिए मिला है। निश्चित रूप से जैसा प्रिंसिपल हिना मैम ने कहा कि ये हमारी बच्चियाँ जो यहाँ पढ़ती हैं उनके लिए तो है ही, और उनके लिए तो शानदार खेल की अपॉर्चुनिटी देता ही है, लेकिन आसपास के अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए भी देता है। और जैसा विवेक जी ने कहा कि इसमें फ्लड लाइट लगाई गई है, तो इसका शाम को रात को भी इस्तेमाल हो सकता है, तो खासतौर से आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए भी एक अच्छी फैसिलिटी यहाँ बन गई है। जो बच्चे लड़के लड़कियाँ हॉकी में अपना आगे प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आमतौर पर ये शिकायत रहती है कि अच्छे खेल के मैदान नहीं मिलते। केजरीवाल जी की सरकार ने पिछले 7 साल में दिल्ली के कोने कोने में अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स के मैदान बनाए हैं। आपके यहाँ एक स्कूल में भी सर हमने बनाया था, बहुत शानदार वहाँ पर मैदान बनाया है। इसके अलावा आसपास भी काफ़ी अब बन गए हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है दिल्ली के शिक्षा मंत्री के रूप में काम करना। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि दिल्ली के बच्चों के लिए और देश की फाउंडेशन के लिए, देश की बुनियाद को मजबूत करने के लिए कुछ सौभाग्य मिला है। ये और सौभाग्य है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में रामनिवास गोयल जी के सानिध्य में काम करने का मौका मिला है, क्योंकि आमतौर पर शिक्षा मंत्री तो हर एक राज्य में है, लेकिन मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि हम ऐसी सरकार में हैं जहां हर एक कार्यकर्ता, हर एक बच्चा, हर एक पार्टी का मेंबर, हर एक सरकार के मेंबर दिन रात एजुकेशन के बारे में सोचता रहता है, दिन रात एजुकेशन के बारे में सोचता रहता है। आप मेरी बात आपको यहां थोड़ा सा लगता हो सकता है लगे कि पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है। आपके आसपास सभी तरह की विचारधाराओं के लोग होंगे, सभी तरह की पॉलिटिकल पार्टियों के लोग होंगे। आप जरा सोच के देखिए कि आपको एक्स पार्टी वाला, वाई पार्टी वाला और हमारी पार्टी वाले लोगों में बुनियादी अंतर ये दिखता है कि नहीं दिखता। हमारी पार्टी वाले से पूछ के देखिए क्या किया, छूटते ही बोलेगा स्कूल बनवाए। उनसे पूछिए क्या किया, बोलेंगे जी हाँ सोच के बताते हैं जी, बहुत बड़ा काम किया। क्या किया ये नहीं पता, बहुत काम किया। लेकिन हमारे काम के बारे में बच्चे बच्चे को पता है कि ये पार्टी स्कूल बनवा रही है, ये सरकार अस्पताल बनवा रही है, ये खेल के मैदान बनवा रही है, ये बच्चों के पढ़ने के लिए, इलाज के लिए बढ़िया व्यवस्था करा रही है, और सबसे बड़ी चीज दिल्ली के लगभग 70% घरों में केजरीवाल जी के काम की वजह से बिजली का बिल जीरो आता है, 70% घरों में। तो ये उपलब्धि है, ये सौभाग्य की बात है कि हमको सस्ती बिजली देने वाली सरकार में काम करने का मौका मिल रहा है, अच्छे स्कूल अस्पताल बनवाने वाली सरकार में काम करने का मौका मिल रहा है, देश को पढ़ा लिखा के मजबूत करने वाली सरकार में काम करने का मौका मिल रहा है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए। आज कई सारे कार्यक्रम हैं, मैं सुबह ही 7-8 बजे अपने घर से निकल जाता हूँ कार्यक्रमों के लिए, तो अभी 2 करके आ रहा हूँ, तीसरा ये है, अभी और कई सारे में जाना है, तो मैं बहुत लंबा समय नहीं लिख पाऊंगा। आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे बहुत आर्टिस्ट के पीछे से आवाज़ आ रही है, हमारे बच्चों ने बहुत तैयारी की होगी, मैं उस कार्यक्रम को देखने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाऊंगा, लेकिन आपकी रिकॉर्डिंग ज़रूर देखूंगा मैं। और मैं ये कमेंट कर रहा हूँ कि ये अभी थोड़ा व्यस्तता का सीज़न है, इसके बाद में मैं ज़रूर आपके कॉलेज में आऊँगा और बच्चों से खूब सारी बात करूँगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।